दोस्तों मैं एक सेटअप आज बताने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त सेटअप बताने वाला हूँ। इस सेटअप से अगर सिर्फ मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो लास्ट वीक में लगभग मैंने 2 करोड़ रुपए इस सेटअप से कमाए हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में। ध्यान रखिएगा, मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करता हूँ, सेल नहीं करता हूँ कभी भी। तो मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, तो मैं ऑप्शन को बाइंग करता हूँ। और लास्ट वीक में देखा जाए तो मैंने इस सेटअप से लगभग मैंने 2 करोड़ रुपये बनाए, यानी लास्ट एक्सपायरी से लेकर, मैं एक्सपायरी से एक्सपायरी वीक को कैलकुलेट करता हूँ, तो लास्ट एक्सपायरी से देखा जाए तो इस एक्सपायरी तक मैंने 2 करोड़ रुपये बनाए। और इस सेटअप से सबसे बेस्ट पैसा जो मैंने बनाया था वो मई मंथ में बनाया था। मई और जून मंथ में मैंने बहुत पैसा बनाया था इसी सेटअप से। मैंने बहुत पैसा बनाया, सेटअप का मतलब ये नहीं कि सारा ट्रेड मैंने इसी सेटअप से लिया है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड मैंने इस सेटअप से, यानी पहला जो सेटअप मॉर्निंग ट्रेड लिया है मैंने, ज्यादातर इसी सेटअप से मैंने वो ट्रेड लिए हो। तो मई और जून मंथ में मैंने बहुत पैसा बनाया और कंटिन्यू मैं पिछले 6-8 महीने से इसी सेटअप को कंटिन्यू करते रहता हूँ। बाद में दिन के दौरान कुछ सेटअप बनते हैं उसको फॉलो करता हूँ, लेकिन मेजर पैसा, यानी अगर मान लीजिए मेरा जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में ये जो सेटअप है वो कंट्रीब्यूट करता है लगभग 65 से 75% पे हिस्सेदारी इस सेटअप, ये सेटअप कंट्रीब्यूट करके मुझे देता है बैंक निफ्टी से। तो मैं सेटअप बताने वाला हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी जो है ना वो बहुत भोला इंडेक्स है, बहुत भोला है ये बैंक निफ्टी। क्या बोलता है बैंक निफ्टी? बोलता है कि भाई तुम मेरे सहारे चलो, यानी बैंक निफ्टी एक बच्चे की तरह है जो ये बोलता है उसकी बात आप लोग मानो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग चाहते हो कि बैंक निफ्टी आपके साथ साथ चले। बैंक निफ्टी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, हमें बैंक निफ्टी के साथ चलना। हमें बोलना है बैंक निफ्टी, भैया तू किधर चलने वाला है, चल उधर, मुझे भी साथ लेके चल। तो हमें बैंक निफ्टी के साथ चलना है। देखिए, ईगो दूर रखो यहाँ पे यार। कंडीशन आप लोग समझ गए कि 300-400 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो छोड़ देना है। 90 ट्रेडिंग सेशन आपको 25 से 50 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो कोई फायदा नहीं आपको देख के, एक दिन के देखने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले दिन ट्रेड ले लोगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे कुछ भी। सेटअप क्या है, टाइम फ्रेम 5 मिनट है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगा के रखा है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा के रखा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे सिंपल थ्योरी है, सबसे सिंपल लॉजिक यहाँ पे बता रहा हूँ कि पहले 5 मिनट का हाई और लो आपको मार्क कर लेना है। यानी पहले 5 मिनट का जो भी हाई लो मार चार्ट में आपको दिख रहा हो उसको आप मार्क कर लो कि ये हाई है और ये लो है। और सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे से ज़्यादा इसको मत लेके जाना। एक चीज़ और ध्यान रखना, जितना जल्दी होगा इसको हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे, ये पिछले दिन क्या किया है ये कंडीशन अभी मायने आपके लिए नहीं रख रही है। नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो उसमें कुछ कंडीशन इस सेटअप में और है, तो पहले मैं सिंपल सेटअप बताऊं, बहुत सारी चीजें पहले ही दिन बता दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे पहला आपको ये करना है कि पहले 5 मिनट का हाई लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले 5 मिनट का जैसे हाई लो को ब्रेक करे, हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे, हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कुछ भी चीजें और फॉलो नहीं करनी है इसके साथ में। अभी शुरुआत में आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। ट्रेनिंग जो मैं 29 जुलाई को देने वाला हूं ट्रेनिंग, उसके दौरान इस सेटअप में कुछ और चीजें आप लोग को बताऊंगा मैं, ठीक है ना। इस सेटअप में कुछ और चीजें आप लोग को बताऊंगा, थोड़ा सा और ये सेटअप इंप्रूव हो जाएगा उससे। लेकिन पहले जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप ये 29 जुलाई भी भूल जाओ। लेकिन आपको सिर्फ पहले ये क्या करना है कि पहले 5 मिनट का हाई और लो जिस साइड में भी बैंक निफ्टी जाएगा उस साइड में आपको ट्रेड कर देना, कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। ये पहले 5 मिनट का लो यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैंडल ये कंटिन्यू नीचे आई और कहाँ तक आई, 550 के आसपास तक। जैसे ही लो ब्रेक किया 550 तक आई, मैंने ये ट्रेड कल आप लोग को दिया भी था, 34700 के नीचे मैंने बताया भी था बैंक निफ्टी को आपको सेल करना है। तो 34700 के नीचे 150 पॉइंट हमें यहाँ से बैंक निफ्टी ने दे दिया, ठीक है। पहला दिन ये इसने दे दिया, कब दे दिया, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में पहले हाई और लो को इसने ब्रेक किया। क्या ब्रेक किया इसने, लो को ब्रेक किया, तो हमने इसको सेल कर दिया, यानी हम यहाँ पे हमें पुट ले लेनी है। और दूसरी चीज़ यह है कि पहले 5 मिनट में जो ऑप्शन बहुत वॉलेटाइल होता है ना, वो धीरे धीरे वॉलेटिलिटी भी इसकी पहले 5 मिनट में वॉलेटिलिटी यहाँ पे निकल जाती है, खत्म हो जाती है, तो ऑप्शन भी कूल हो जाता है। तो आपको ऑप्शन का ट्रेड भी पूरी अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आएगा। ये हो गया पहले दिन का, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आप लोग को, जिससे चीज़ें थोड़ी सी आप लोग के लिए समझना आसान होगा यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखो मैंने एक गलती की, मेरा एक दूसरा सेटअप भी है, तो मैं पहले क्या किया इसने, इस दिन क्या किया इसने, यानी कल एक्सपायरी वाले दिन इसने क्या किया, ये हाई है ये लो है, तो मेरा एक दूसरा सेटअप था, उस सेटअप को थोड़ा सा पहले मैंने ट्रेड लिया, वो सेटअप बन रहा था 50 के नीचे, मैंने ट्रेड यहाँ पे ले लिया और मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ। ट्रैप हो गया मतलब स्टॉप लॉस तो होना ही है, किसी ना किसी दिन तो स्टॉप लॉस होगा ना, तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा ऐसे लो गया था, हाई और लो हमने मार्क कर लिया और इसने हाई को ब्रेक किया, यहाँ से हाई को ब्रेक किया, ये लगभग 930 का या 960 का लेवल है, यानी ये लेवल जो है 34,960 का लेवल मेरे ख्याल से है, और 960 के ऊपर जैसे निकलेगा मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लूँगा। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी बाइंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ये ऊपर की तरफ निकलेगा मैं यहाँ पे करंट, अब एक्सपायरी के दिन है, एक्सपायरी का एक दिन पहले है, एक्सपायरी का दो दिन पहले है, ज़्यादातर एट द मनी या 100 पॉइंट ऊपर की, अगर एक्सपायरी का दिन है तो इन द मनी यहाँ पे बाइंग करो, तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा और यहाँ से देखिए क्या अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला। तीसरा दिन यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हुआ इससे थोड़ा सा लेट, जैसा कि मैं बोलता हूँ ना कि जल्दी से जितना जल्दी करे उतना अच्छा है, लेकिन सेटअप ने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे सेटअप देखिए, पहले 5 मिनट का ये हाई और ये लो, मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, थोड़ा कंसोलिडेट किया और जैसे ही इसने ब्रेक किया, अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो तुरंत, यानी ज़्यादा यहाँ पे हमें टाइम इसे देगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए हमने कहाँ पे इसको सेल कहाँ पे किया होगा, यानी पुट हमने कहाँ पे ली होगी, 119 और 199 के बाद इसने लोड किया, कहाँ पे लगाया 123, यानी 150 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने बड़ी आसानी से यहाँ पे दे दिया, अगर इसको इसने ब्रेक किया है तब। अब चलिए एक दिन और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक ही कैंडल यहाँ पे बनी, कोई बात नहीं, चलिए एक ही कैंडल यहाँ पे देखते हैं कितनी बनी, 360 के ऊपर, यानी पहली मिनट की कैंडल 360 के ऊपर गई और 360 के बाद ये हाई कहाँ पे लगा के आई, 360 के बाद हाई लगाया इसने 420 का, यानी हमारे पॉइंट से लगभग ये 60 पॉइंट ही ऊपर गया, उसके बाद खिचड़ी बनाने लगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना डिसीजन, आपको अपना एक्सपीरियंस, ये सब सारी चीज़ें इस जगह पे ही मैटर करेंगी। मैटर कहाँ पे करेंगी, जहाँ पे हम, जहाँ पे मार्केट हमारे रेंज को तो क्रॉस किया लेकिन ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं गया, तो भरी नो प्रॉफिट नो लॉस में भी यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। SL ज़्यादातर SL आपको क्या लगा के रखना है, SL ज़्यादातर लगा के रखना है, सबसे सेफ जो SL है वो है पहली कैंडल का ही हाई के ऊपर हम बाई करें, तो पहली कैंडल का ही लो लगा लें, नहीं तो ये ध्यान रखिएगा कि 70 से 80 पॉइंट से कम का आपका SL बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी SL 70 से 80 पॉइंट का होना चाहिए। मैं ज़्यादातर सेफ खेलता हूँ तो मैं पहली कैंडल के लो का SL लगा के यहाँ पे बैठता हूँ, लेकिन अगर ये ट्रेड ऊपर उसी झटके में ऊपर निकलने के बाद फिर से नीचे करता है तो फिर मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता हूँ, 10-20 पॉइंट जो भी मिले या फिर 10-20 पॉइंट का जो भी लॉस हो मैं निकल जाऊँगा, फिर मैं यहाँ तक वेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये सेटअप बनता है तो सनासन बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो उतना एक्सपीरियंस आ जाएगा। इसलिए मैं बोला हूँ कि 90 ट्रेडिंग सेशन जब आप फॉलो करोगे, लिखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, बिना लिखे तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। बहुत सारे लोग लिखते नहीं है ना, जब तक आप ट्रेड को लिखेगे नहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। हेलो दोस्तों, घनश्याम सर की 920 स्ट्रेटजी कैसे काम करती है कि नहीं काम करती है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे और जानेंगे दोस्तों कि कितना काम करती है और कैसे हमें इसको एक वर्क करना रहता है, कैसे हमें इसको फॉलो करना रहता है दोस्तों। तो दोस्तों एक महीने का मैंने बैक टेस्टिंग कर रखा है, जिसको हम लोग एक महीने का पूरा देखेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना दिन लॉस हुआ, ये सब हम लोग पूरा इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप कल फ्राइडे के दिन में 920 स्ट्रेटजी हमारा वर्क किया कि नहीं किया, आप देख सकते हैं। आपको हाई फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल होती है, आपको जो चार्ट है आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है सबसे पहले, तो आपको पता ही होगा कि 5 मिनट का जो कैंडल सबसे पहले बनेगा उस कैंडल को हाई और लो को मार्क कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको पहले यहाँ पर हाई और लो को मार्क कर लेना है, जैसे ही ब्रेक करता है वो भी बॉडी के साथ अगर ब्रेक करता है, अगर विक यहाँ तक अगर विक बना के वापस चला जाता है तो हमें बाई नहीं करना है या सेल नहीं करना है, तो हमें आप बॉडी को ही ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे ही बॉडी क्लोज़ करता है, जैसे ही 920 का बॉडी अगर क्लोज करता है तो हमें यहाँ पे सेल कर देना, पुट बाई कर लेना है। यहाँ पे कितना प्रॉफिट बना है एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, कितना पॉइंट का प्रॉफिट बना है। तो ऐसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना 200 पॉइंट का प्रॉफिट बना है। तो फर्स्ट यानी कि फ्राइडे को आपको देख सकते हैं प्रॉफिट हुआ हमारा, फिर उसके बाद में आपको 13 तारीख को देख सकते हैं, यहाँ पे 13 तारीख को यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हमारा यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही बॉडी क्लोज होता है यहाँ पे कितना लंबा प्रॉफिट मिलता है, कितना 13 तारीख को हमें 13 तारीख को प्रॉफिट, 14 तारीख को प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 तारीख को आपको भी प्रॉफिट हुआ 920 स्ट्रेटजी में, उसके बाद में फिर आपको 11 तारीख को देख सकते हैं यानी 11 अक्टूबर को आप हाई और लो को फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को आप मार्क कर लेंगे
आप देख सकते हैं छोटा प्रॉफिट हुआ, लेकिन 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, लेकिन प्रॉफिट हुआ। हमें छोटा ही प्रॉफिट मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रॉफिट ले लेना है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं 11 तारीख को प्रॉफिट हमें हो गया। फिर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 10 तारीख को, यानी 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को प्रॉफिट, 10 अक्टूबर को प्रॉफिट, या फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को प्रॉफिट। फिर यहाँ पे 6 अक्टूबर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 अक्टूबर को हमें बहुत बड़ा नहीं छोटा प्रॉफिट, लेकिन 6 अक्टूबर को 920 स्ट्रेटजी में हमें प्रॉफिट हुआ। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट 920 स्ट्रेटजी में 4 तारीख को प्रॉफिट। फिर आपको दिखा दूँ अपने यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 तारीख को हमें 920 स्ट्रेटजी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे हमें लॉस हुआ। आपको कभी कभी आपको लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें SL ले लेना है, छोटा SL लेना है, लेकिन SL लेके उस दिन हर निकल जाना है। फिर उसके बाद में आगे हम लोग सितंबर में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि सितंबर में आपका 920 स्ट्रेटजी वर्क किया, इतना लंबा प्रॉफिट यहाँ इसमें बना कि आप देख सकते हैं खुद। यहाँ पे आपको 30 तारीख को प्रॉफिट, फिर इसके बाद में आपको 29 तारीख को आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस हुआ है, हमें हमारा SL हिट हो गया 29 तारीख को। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे 28 तारीख को भी हमारा लॉस है, SL हिट हो गया। फिर उसके बाद में प्रॉफिट हुआ हमारा 27 तारीख को प्रॉफिट, 26 तारीख को प्रॉफिट, 26 तारीख को आप देख सकते हैं यहाँ पे लो ब्रेक होने पर कितना यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बना। फिर आपको 26 के बाद यहाँ पे आपको आ गया, आपको 23 तारीख आ गया, बीच में 2 दिन छुट्टी रहती है दोस्तों, सैटरडे और संडे को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 920 स्ट्रेटजी हमारी 23 तारीख को इतना ज़बरदस्त काम किया कि आप क्या बताऊँ, आप देख ही सकते हैं खुद 23 तारीख को 920 स्ट्रेटजी कितना ज़बरदस्त वर्क किया है। फिर आपको 22 तारीख को दिखा दो, 22 तारीख को प्रॉफिट देख सकते हैं, 22 तारीख को प्रॉफिट, या 21 तारीख को प्रॉफिट हुआ है, छोटा प्रॉफिट हुआ है लेकिन प्रॉफिट हुआ है। फिर उसके बाद में 20 तारीख को भी प्रॉफिट, 20 के बाद आपको 19 तारीख को प्रॉफिट, फिर 18 तारीख को तो छुट्टी था। फिर यहाँ 16 तारीख को देख सकते हैं, 16 तारीख को भी प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट हुआ लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट ही हुआ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 तारीख को लॉस हुआ, SL हिट हुआ है। उसके बाद मैं आपको 14 तारीख को दिखा देता हूँ दोस्तों, 14 तारीख को आप देख सकते हैं यानी कि 14 तारीख को प्रॉफिट हुआ 920 स्ट्रेटजी में, और 14 तारीख को इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ कि आपका जितना SL पूरे मंथ में जितना SL कटा था उतना SL आपका एक ही ट्रेड में कवर हो गया है दोस्तों। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कितना इसमें पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अगर यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है दोस्तों, यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है, हम यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ आप खुद देख सकते हैं। अगर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है तो आप देखते हैं 1000 पॉइंट का प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है दोस्तों। दोस्तों मैंने एक महीने का बैक टेस्टिंग करके दिखाया है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं कि 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है महीने का, जिसमें हमें 4 दिन केवल स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसके बाद 18 दिन प्रॉफिट हुआ, छोटा प्रॉफिट कभी बड़ा प्रॉफिट लेकिन 18 दिन प्रॉफिट और 4 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।